देख रहे हैं अमर उजाला .com और मैं हूं आपके साथ तरुण कौर। आज हम आए हैं फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले को कवर करने। इस बार भी जो मेला है अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि मेले में इस बार जो 8 राज्य है पूर्वोत्तर के, उनको स्टेट पार्टनर बनाया गया है और 45 से 50 के करीब लगभग जो देश है इस बार यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। तो आइए मेले में चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस बार क्या नया है और कैसे आपको यहाँ पर आना चाहिए। आपको बता दें कि 3 तारीख से लेकर 19 तारीख तक मेला चलेगा। तो आइए सबको जान लेते हैं मेले के बारे में। तो चलिए मेरे साथ। सूरज कुंड मेला दुनिया भर के कलाकारों के लिए अपनी संस्कृति और प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच है। सूरज कुंड में हर साल हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले में हर उम्र के पर्यटकों के लिए कई आकर्षक चीजों के स्टॉल्स लगाए जाते हैं। सूरज कुंड, जिसका अर्थ है सूर्य की झील, एक प्राचीन जलाशय जिसे तोमर वंश के राजा सूरज पाल ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। इस साल हरियाणा सरकार द्वारा सूरज कुंड मेले की शुरुआत की जा चुकी है। यह मेला पहली बार 1987 में आयोजित किया गया था। इसी तरह से इस साल आयोजित होने वाला यह 36वां शिल्प मेला है। यह न केवल हरियाणा के शिल्पियों के लिए बल्कि पूरे भारत के साथ साथ चुनिंदा दूसरे देशों के कारीगरों के लिए भी अपनी प्रतिभा यानी हुनर दिखाने का अवसर प्रदान करता है। आप यहां हाथ से बने सामानों, जूट से बने सामान, मिट्टी से बने सामान और हैंडलूम के ऐसे कई सामान खरीद सकते हैं जो कि आपको बाजार में काफी मुश्किल से मिल पाएंगे। फरीदाबाद में मशहूर सूरज कुंड मेले का आगाज हो चुका है। यह मेला 19 फरवरी तक चलेगा। इस मेले की खास विशेषता यह है कि हर साल किसी एक राज्य को थीम बनाकर उसकी कला सांस्कृतिक परंपराओं को दिखाया जाता है। सूरज कुंड मेले में देश के कई राज्य और दूसरे देश भी हिस्सा लेते हैं। इस साल मेले की थीम को एक दिलचस्प मोड़ दिया गया है। इस साल की थीम नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। देश के 8 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड को थीम स्टेट बनाया गया है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? सर क्या बताना चाहिए, कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस कैसा है इस बार मेले का? इन सभी राज्यों की संस्कृति और खाने के विशेष व्यंजनों का आनंद सूरज कुंड मेले में ले सकते हैं और पार्टनर कंट्रीज के तौर पर शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के राष्ट्र हैं। आप एक बार में हर जगह की कला संस्कृति से रूबरू नहीं हो सकते। यह मेला आपके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ शिल्प कला संस्कृति और व्यंजनों को पेश करता है। इस मेले में आपको हस्तशिल्प कलाकारों और बुनकरों के कामों के बारे में बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। अगर आप कला प्रेमी हैं तो यह मेला आपके लिए यादगार हो सकता है। सूरज कुंड मेला टिकट की कीमत सामान्य दिनों में ₹120 प्रति व्यक्ति है। शनिवार रविवार को जाते हैं तो ₹180 प्रति व्यक्ति है। सूरज कुंड मेला 19 फरवरी तक चलेगा। यहां लोगों के लिए जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। यहां एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीरें ले सकते हैं। हरियाणा अपना घर, यह भी मेले में बना एक सेल्फी पॉइंट है जहां लोग खूब सेल्फी ले रहे हैं। स्टॉल पर मौजूद बेहतरीन सजावटी सामान कालीन लाइट ना सिर्फ आपके फैशन स्टेटस में 4 चांद लगाएंगे बल्कि घर की शोभा भी बढ़ाएंगे। इस स्टॉल पर आपको ना सिर्फ लकड़ी से बने आकर्षक सामान मिलेंगे बल्कि घर को सजाने के लिए अनूठे उत्पाद भी दिखेंगे। खूबसूरत कलाकारी के साथ सजाए गए ये आइटम दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं।
इनमें की चैन, हैंगिंग स्पून आदि शामिल है। इसके अलावा वॉल पेंटिंग, डेकोरेटिव एड फ्रूट बास्केट, बैक कुशन भी मौजूद है। भारत विविध संस्कृतियों का मिश्रण है, इसे सूरजकुंड मेले में बड़े ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ आने वाले आयोजक पर्यटकों के लिए कई टेस्टी खाने, सस्ती रंग पॉपिंग पेंटिंग, प्राचीन पत्थर की मूर्तियां और यहां तक कि छोटे बच्चों के लिए कई मनोरंजन वाली चीजें पेश करते हैं। इतनी सारी चीजों के स्टॉल्स मेले के उत्साह को बढ़ा देते हैं। आप यहां लोक नृत्य और संगीत कार्यक्रमों का भी आनंद ले सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सूरजकुंड के मेले के बारे में? सूरजकुंड मेला बहुत अच्छा है जी, और पहले तो थोड़ा कम होता था लेकिन अब की बार तो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा एरिया में लगाया गया है और वेल ऑर्गेनाइज है, बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत मज़ा आया है मुझे। सर आप कितनी बार यहाँ पे आ चुके हैं? हर साल ही आता हूँ। इस बार आपको क्या अलग लगा? बहुत सारे मतलब आइटम वैसे तो सेम ही है लेकिन कुछ स्टॉल बहुत अलग डिफरेंट टाइप के हैं, कई कंट्रीज के अलग आए हैं तो उनमें अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, कुछ शॉपिंग करने का भी मन हुआ है। तो मैम आप क्या कहेंगे, आपने कुछ खरीदा अपने लिए? मैंने खरीदा अपने लिए सूट खरीदा है और एक तो ये इयररिंग खरीदे हैं। अच्छा तो कैसा लगा आपको इस बार? बहुत अच्छा लगा, हर साल से अगली बार ज्यादा अच्छा लगा। क्या हाल है सब सुन के? बढ़िया। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा ये, मस्त मस्त, मजा आया बहुत। क्या मजा आया, क्या सबसे अच्छा लगा? वुडन क्राफ्ट जो था वो अच्छा लगा, हमने वो देखा कि ये मतलब जो रॉ पीस से बुड़ गए ट्री है पूरे उसको उन्होंने कई कई सारी चीजें बनाई थी ना, वो काफी अच्छा लगा। डांस किया आप सभी ने? हाँ जी जी, भंगड़ा। खाना वाना भी खाया? खाना मतलब ठीक नहीं। और आप पहली बार आए हैं या? नहीं, हमारा फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम है हमारा। कैसा लगा? बहुत मजा आया, अच्छा लगा, बहुत ज्यादा ही मजा आया। क्या कहोगे भाई, हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। ये मतलब हैंडमेड क्राफ्ट देखना आजकल इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है, जो हमें यहाँ पे इतना ज्यादा देखा गया है। हम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, MBBS कर रहे हैं और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, काफी रिफ्रेशमेंट मोमेंट है हमारे लिए। और अभी हमने अफ्रीकन लोगों के साथ डांस किया, जिम्बाब्वे और अफ्रीकन डांस किया हमने अभी एंजॉयमेंट हुआ भाई। एक ही चीज ऐसी लगी जो था डांस का, कुछ कह लो डांस करके मजा आ गया, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है भाई, सही जगह की पूरा टेस्ट देके आया आज सुबह और ये पूरा रिफ्रेशमेंट मोमेंट है हमारे लिए। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? वही लैटिन अमेरिकी देशों अफगानिस्तान, तंजानिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, सूडान, नाइजीरिया, अंगोला, घाना, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, मालदीप और बहुत से अन्य देश भी पूर्ण उत्साह के साथ इस मेले में भागीदार बन रहे हैं। वहीं देशी कलाकारों द्वारा पंजाब का भांगड़ा, हरियाणा के लोक नृत्य, अन्य अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के शानदार नृत्य और गीत शो जैसे बैंड के शानदार प्रदर्शन का आनंद उठा रहे हैं। मेले में उन लोगों को बुलाया गया है जो अपनी कला में माहिर है और उन्होंने इसके लिए अवार्ड भी जीते हैं। मेले में जिन भी बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है
मेले में एक जगह ऐसी भी है जो हरियाणा की संस्कृति को दर्शाती है। यहाँ हुक्का और मिट्टी की बनी चीजें भी लोगों को आकर्षित कर रही है। वहीं स्टॉल संचालकों का कहना है कि इस बार लोग आ रहे हैं, सामान भी ले रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले इस बार उनके चेहरे खिले हुए हैं। यह आसाम से यह माजुली डिस्ट्रिक्ट से ये हमारा एक परंपरा, ये बिजु शंकरदेव का पहले वहाँ किया गया एक परंपरा चल रहा है और 2003 में पिताजी अवार्ड मिला, अवार्ड का फेमस जो है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसी कलिता है। कहाँ से आप? आसाम से। सर क्या बताना चाहिए, कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस, कैसा इस बार मेले का? अच्छा ही लग रहा है अभी तक। लोग आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं? आप पहली बार आए हैं मेले में? तो कैसा अनुभव है? अभी तो अच्छा ही लग रहा है। मैम आप कहाँ से हैं? मैम क्या क्या खास है इस बार, कैसा लग रहा है आपको? हमारा ये ना लूम वाला बैग बैग खास है, अच्छा ही है। हम लोग पहली बार आए सूरज कुंड पे, इससे पहले नहीं आए थे। तो मैम इस बार क्या क्या है आपके पास आइटम? तो क्या लग रहा है सर, जैसे कि लास्ट टाइम ज्यादा ग्राहक आ रहे थे, सेल ज्यादा उठती है इस बार ज्यादा लोग आ रहे हैं आपके पास? हाँ। इस बार ज्यादा अच्छा इस ग्राहक ज्यादा अच्छा लग रहा है पिछली बार के मुकाबले? जी जी। ग्राहक आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। दुकानदारों के चेहरे फिर से खिल रहे हैं इस बार? जी जी बिल्कुल, इस बार बहुत अच्छा है। भाई रोहित कहाँ से आए आप? सर गुजरात से। क्या कहेंगे, क्या क्या आइटम है आपके पास? सर होम डेकोर से रिलेटेड आइटम है हमारी, आप देख लीजिए, कुशन कवर्स है, डाइनिंग टेबल मैट्स है और डाइनिंग टेबल रनर्स है ब्रीड वर्क जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं, और उसके अलावा एक्सपोर्ट क्वालिटी के टेबल रनर्स है जो कॉटन में होते हैं, जूट्स में होते हैं। तो क्या कहेंगे इस बार की कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, ग्राहक? अच्छा रिस्पांस है। तो सर इस बार आपके पास किस चीज़ का स्टॉल है? पिछले साल आए थे आप? जी पिछले साल भी आए थे। तो क्या लग रहा है इस बार और पिछले साल में, कोई आया फर्क? फर्क तो है सर, इस बार आ रहे हैं लोग ग्राहक? थोड़ा ठीक था, इस बार ज्यादा खास नहीं चल रहा है। सर क्या क्या है आपके पास? शॉल, स्टॉल्स, मफलर, ये सब है। हाँ जी। और सर ये इसके बारे में क्या बताएंगे आप? ये जो है हैंडलूम से बना हुआ हमारा, और प्योर वुल में बनाया, याक वुल में और शीप वुल में, और हाथ से काम किया हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उनको लेकर यहां पार्किंग, टॉयलेट, मनोरंजन जैसी हर तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।